हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि आप ही कुछ ऐसा बता दें कि जो है जैसे कि अंडर आर्म्स हैं या आपके घुटने हैं या आपके जैसे ब्लैक एरिया होते हैं, हाथों के नकल्स होते हैं या प्राइवेट पार्ट आपका, जैसे कि आफ्टर शेविंग स्किन ब्लैक हो जाती है तो वो बहुत बुरी लगती है, तो इसको हम किस तरह से वाइट कर सकते हैं। दूसरा ये कि जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा अंडर आर्म्स में स्मेल आ रही है तो इस स्मेल को हम कैसे ख़त्म करेंगे। ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं, ज़रूरी हैं, जैसे कि मेल फीमेल्स गर्ल्स बॉयज़ सब के लिए ये जो है वीडियो बहुत स्पेशल है। तो क्या करना है, आपने आपको तीन चीज़ें बताऊंगी, तीन स्टेप हैं कि बहुत सिंपल है। जैसे हम एक फेशियल करते हैं इसी तरह आपको करना पड़ेगा और बहुत इजी है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके घर में ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको ये सारा डिटेल से बताऊंगी किस तरह से आपने बनाना है, लगाना है और पड़ेगा, क्या सबसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। रेड बटन जो नज़र आ रहा है, जो लोग न्यू आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और जो लोग ऑलरेडी चैनल पर हैं वो वीडियो वॉच करते हुए ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। नंबर वन पर आपके पास होना चाहिए पोटैटो जूस। जैसे कि आलू का आपने अच्छे से उसका जूस बना लें, उसको कट कर लें, उसका जूस बना लें, ठीक है? तो आपके पास पोटैटो जूस होना चाहिए। प्राइवेट पार्ट पर या जिस भी आपका जो भी पार्ट ब्लैक है वहाँ पर आपने अच्छे लेना है। जूस को आपने क्या करना है, किसी भी आपने जैसे कि टिश्यू है या इस तरह का कोई आपके पास स्पंज है अगर, तो उसके साथ जूस में उसको डिप करें, ठीक है, अच्छे से। फिर आपको आपने उस प्राइवेट पार्ट पे उसको अच्छे से रख लेना है, मतलब कि वो जो आलू का जूस होगा ना उसको हमने अपनी स्किन में अब्जॉर्व करना है। अब्जॉर्व करने के बाद अब आप क्या जो है सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है जो है अच्छे से आपके पास जैसे कि कोलगेट पेस्ट है, कोलगेट पेस्ट हर्बल वाला नहीं लेना, जो सिंपल वाला कोलगेट पेस्ट होता है वो लेना है आपने, उसको आपने प्राइवेट पेस्ट वो वाला लेना है जो कि सिंपल है। एक तो हर्बल वाला होता है, हर्बल वाला नहीं लेना, दूसरे वाला लेना है, क्योंकि उसमें और इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टूथपेस्ट को आपने अच्छे से अफेक्टेड जो आपका एरिया है वहाँ पर आपने उसको अप्लाई कर लेना है। कुछ इस तरह से अप्लाई करना है जैसे हमने फेस पे मास्क लगाया होता है, तो मास्क की शक्ल में आपने उसको अप्लाई कर लेना है। आपने उसको ड्राई होने का वेट करना है, वेट करने के बाद आपने उसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब बारी आ जाती है थ्री स्टेप की, ठीक है? दो चीज़ें जो कि जैसे कि लीमू और पोटैटो जूस, इन दोनों के अंदर ऐसी ऐसी अल्लाह ने खासियत रखी हुई है कि ये आपका जो भी, जैसे कि ये ज़्यादातर रेमेडीज़ में जो यूज़ होता है ना, ये स्पेशली इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि इसमें ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ अल्लाह मियाँ ने ही डाली हुई है कि ये जो है आपकी जो जैसे ब्लैक एरिया, जैसे कि आपका एक्नी के बाद जो निशान रह जाते हैं वो है, दाग धब्बे हैं या जला हुआ निशान है, इस तरह की जो निशान है उसको ये ख़त्म कर देता है अगर आप रेगुलर उसको उस एरिया पर यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है अब आप प्राइवेट पार्ट जो है आपका ब्लैक हो चुका है तो उसको आपने जब नीट करना, ये आप समझ लें कि जैसे आपका ये एक अंडर आर्म का फेशियल हो जाता है। जैसे हम फेस पे फेशियल करते हैं हमारी स्किन निखर जाती है, बहुत अच्छा फेस हो जाता है, इसी तरह आप अपने प्राइवेट या अफेक्टेड एरिया पर जहाँ पर आप चाहते हैं कि स्किन जो ब्लैक है वाइट हो जाए, तो उसके लिए आपने ये समझ लें कि आपने एक फेशियल ही करना है। ये थ्री स्टेप फेशियल है, थ्री स्टेप इसको फेशियल भी बोल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो कोलगेट आपने लगाया है इसका आपने मास्क को रिमूव कर देना है। ड्राई होने के बाद, रिमूव करने के बाद लीमू को आप कट कर लें, ठीक है? तो लीमू को आप इस तरह से यूज़ करें जैसे कि एज अ स्क्रब हम यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने अफेक्टेड एरिया पे इस तरह से मतलब ऊपर मसाज करना है, जैसे कि स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद आपसे 3 से 4 मिनट इसको स्क्रबिंग करनी है, आपने इसको कर लेना है रिमूव, ठीक है? रिमूव करने के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा आपने बिफोर आफ्टर का पिक ले लेना है, बिफोर का पिक ले लेना है, आफ्टर का पिक ले लेना है, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा कि इतना ज़बरदस्त एक बार करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप अगर इसको वीकली या मंथली में आप इसको रूटीन में ले आएंगे कुछ टाइम के लिए, तो ये आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपकी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा, बात समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
और मैं चलती हूँ आपकी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।